हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकी सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग परीक्षा अध्ययन क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है प्रत्यावर्ती धाराएं। अब बताइए आप हमें कि इसमें कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जो अपन ने आपको पढ़ाए हैं इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम है आपको। यस सर, ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू का थर्ड। ओके, ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू का थर्ड क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से बन गया, इट मींस 1 मार्क्स। दूसरा क्वेश्चन, कल मैंने बताया था कि किसी परिपथ में अवयव का विभवांतर स्रोत के विभवांतर से ज़्यादा होगा तो वह परिपथ जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हुआ करता है। इसमें भी 1 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर के घूर्णन की चाल दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा। देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर की चाल आपको दोगुनी कर देनी है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या फर्क पड़ जाएगा यदि आप आर्मेचर की चाल को दोगुनी कर देंगे। तो भैया आपको मैंने बता रखा है कि आर्मेचर की चाल के लिए जो फॉर्मूला आपके पास में हुआ करता है, कोई भी हो, आर्मेचर हो, कुछ भी हो, आपके पास जो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू कितना होता है, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हुआ करता है। ओके, आपके पास जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हुआ करता है। अब इसको लगा करके अगर आप यहाँ पर ओमेगा को 2 ओमेगा कर देंगे, ओमेगा को क्या कर देंगे, 2 ओमेगा कर देंगे, ओके, तो केवल ओमेगा टी में बदलाव आएगा, केवल किस में बदलाव आएगा, ओमेगा टी में। ओके आइए देखते हैं, तो ओमेगा टी में यदि बदलाव आ रहा है तो क्या फर्क हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि भैया क्या फर्क होगा। नंबर वन, प्रत्यावर्ती धारा में जनित्र के आर्मेचर की घूर्णन को चाल दुगुनी कर दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। देखो जरा, जब आप इसका डेरिवेशन करते हो तो आपके पास में क्या आता है, आपके पास में डेरिवेशन करते समय जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, याद करिए, E बराबर E जीरो साइन ओमेगा टी बनता है। किसका फॉर्मूला है, ये विद्युत वाहक बल का। और E बराबर मैंने आपको पढ़ाया है, E जीरो क्या होता है, N B A ओमेगा। म्यूट कर लो बेटा, आवाज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, N B A ओमेगा ये हुआ करता है आपके पास में विद्युत वाहक बल का E नॉट। अब इस E नॉट में ओमेगा बैठा हुआ है। अब भाई अंदर की बात जो है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी पे अपना कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा जो होता है उसका मिनिमम मान होता है -1 और मैक्सिमम मान होता है +1। तो अभी भी जो धारा है उसमें साइन ओमेगा टी -1 से लेके +1 के बीच में होगा, परंतु आपने ओमेगा को अगर 2 ओमेगा किया है तो यहाँ पे भी जो पहले एन बी ए ओमेगा था, अब वो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा। तो 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और कांस्टेंट के बाहर आने से जो पहले विद्युत वाहक बल आपका E नॉट बन रहा था, अब वो कितना बनेगा, 2E नॉट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और बता दें। देखिए आपके पास में जो विद्युत वाहक बल बनता है बेटा, E इक्वल टू होता है कितना, अरे भाई E इक्वल टू होता है आपके पास E नॉट साइन ओमेगा टी, ये विद्युत वाहक बल बनता है। और यहाँ पर E नॉट की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, N B A ओमेगा। बोलो ये बात पता है कि नहीं पता है। यस सर। ओके, अब यहाँ पर देखिए N B A ओमेगा है। अब आपको क्या कह रहा है कि ओमेगा को बढ़ा करके 2 ओमेगा कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने कह रखा है, क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है अगर घूर्णन की चाल दोगुनी कर दी जाए, यानी घूर्णी वेग जो है दोगुना कर दी जाए, मतलब पहले ओमेगा था और अब 2 ओमेगा कर दिया जाए, तो 2 ओमेगा में जब आप घूर्णन की चाल दोगुनी कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, घूर्णन की चाल दोगुनी करने पर एन बी ए ओमेगा है, तो इस ओमेगा की जगह पे कौन आएगा, 2 ओमेगा आएगा, तो वो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 NBA ओमेगा और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा जहाँ जहाँ है वहाँ पे 2 ओमेगा हो गया है। तो ये बताइए कि पहले ये जो विद्युत वाहक बल NBA ओमेगा पे निर्भर कर रहा था, अब जस्ट दोगुना हो चुका है, यानी अधिकतम 2E नॉट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ बताओ, बोलो भाई।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? लास्ट लाइन थोड़ा कंफ्यूज कर रही क्या है। क्या कंफ्यूज कर रही भाई लास्ट लाइन? अब आप ये बताइए ना कि ई नॉट भाई ओमेगा पे डिपेंड कर तो रहा है यार, ई नॉट डायरेक्टली ओमेगा पे ही तो निर्भर कर रहा है भाई। तो आपके पास में ओमेगा अगर डबल करोगे तो ये डबल नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ भाई, ई का मान जो होता है ई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। अब आप ये कहोगे कि हमें ये पता नहीं, तो भैया पता करने के लिए फिर आप पढ़ो पुराना। और ई नॉट कितना होता है नकुल? एन बी ए ओमेगा होता है कि नहीं होता बताओ मुकुल, क्लास में हूँ। निपटाया हूँ तो माइक खराब है उसका, अभी तो सब कुछ ठीक था। तो एन बी ए ओमेगा होता है, तो भैया ओमेगा को अगर आप बढ़ा देंगे तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ? यस सर। हाँ, तो ओमेगा को आपने डबल कर दिया है तो ई का मान भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर बताओ क्वेश्चन। हाँ, लघुत्री में चल रहे हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, अति लघुत्री हो चुका है पूरा। यस सर। चलिए लघुत्री में बताइए कौन सा। तो लघुत्री में चौथे में जो सर छह पूछा है आपने, ऊपर के चार तो बताए थे सर, लेकिन पांचवा भी दिया है वो थोड़ा सा बता दीजिए। भैया मैंने, अच्छा बिल्कुल सही बात है, पांचवा भिन्न भिनाहट ध्वनि के कारण हानि। हाँ, देखो मैंने बताया था कि जब ट्रांसफॉर्मर चलता है तो उसमें चलने की वजह से एक नॉइस उत्पन्न होती है, बूम की आवाज़ आती है। हाँ या ना? जी सर। हाँ, उसको बोलते हैं हमिंग नॉइस। क्या बोलते हैं? हमिंग नॉइस। हाँ, उस नॉइस के कारण जो ट्रांसफार्मर की प्लेटें होती हैं वो हिलने लगती हैं। वो भिनभिनाहट के कारण ट्रांसफार्मर की जो प्लेटें होती हैं वो क्या लगती हैं? हिलने लगती हैं। समझ में आया? तो मतलब जो कुछ ऊर्जा होती है वो कंपन के रूप में नष्ट हो जाती है। हो जाती है जी सर। हाँ, भिनाहट होती है। हाँ, वो कारण क्या बोल रहे हो? हवर धाराओं के कारण वो भिन भिनाहट होती है ना? नहीं, वो होती है शैथिल्य धाराओं के कारण। भिन भिनाहट भवर धाराओं के कारण नहीं होती। वो जो मैंने कल शैथिल्य हास बताया था, यस सर, फ्लक्स आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, याद आया सर? हाँ, उसकी वजह से वो भिनभिनाहट होती है। पढ़ो क्या लिखा है नकुल, पढ़ो। भिनभिनाहट ध्वनि के कारण प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण ट्रांसफार्मर की कोर लगती है, जिससे भिनभिनाहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्युत ऊर्जा का एक छोटा सा भाग इस ध्वनि के रूप में क्षय हो जाता है, और इसका उपाय है कम करने के लिए इस ध्वनि के लिए कुशल पेंडिंग तथा ऑयल बैरियर्स का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कुशल पेंडिंग यानी डैम्पर लगाए जाते हैं या ऑयल बैरियर लगाए जाते हैं, जिसके कारण जो होती है ना, कंपन ना करे। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? यस। ओके, आगे बोलिए अगला कौन सा क्वेश्चन। हो गए सारे क्वेश्चन? नो सर, एक लास्ट डाउट है तो ढूंढ के दे रहा हूं आपको, बताइए। अच्छा, एग्जाम मास्टर का छठवां जो एमसीक्यू है इसका आंसर मैं बता दूं, 50 हर्ट्ज़। भारत yes, में जो, sir, ये तो बताया सर। हाँ, भारत में जो घरों में ऊर्जा आती है उसका जो परिमाण होता है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। ठीक ना, चलिए आगे करते हैं बाकी। वेरी शॉर्ट का छठवाना, यही वाला बोल रहे हो ना? डीसी वोल्टता की तुलना में एसी वोल्टता को प्राथमिक दी जाती है क्यों? यही क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ, तो मैंने क्लास में बताया था कि आपको बिजली को भेजने के लिए उसकी वोल्टेज बढ़ा के भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा? पूछ लिया ना कि ट्रांसफार्मर से बढ़ा
हैं और आप तो डीसी वोल्टता की तुलना में एसी वोल्टता को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी की वोल्टता बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, जिसे दूसरे स्थानों तक तो बिना ऊर्जा क्षय के पहुंचाया जा सकता है। चलो आगे बोलो, और कौन सा क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? मेरे कल में थोड़ा एक दो रहे कौन सा सर। क्वेश्चन बताइए, न्यूमेरिकल में कौन सा क्वेश्चन डाउट है? लघुत्रिम देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, रेडियो या टीवी सेट में समस्वरित करने के परिपथ में अनुनाद वाक्य की परिघटना की प्रक्रिया का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? भाई ये तो मैंने आपको बताया है ना कि रेडियो में जब आप करते हो, ट्यून करते हो, तो आपके पास एक ट्यूनर लगा होता है। रेडियो अगर कभी चलाया हो तो रेडियो में क्या लगा होता है, एक ट्यूनर लगा होता है इस तरीके का, एक गोल सा बटन, और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमता जाता है, समझ गए ना? और आपको पता है कि ऐसा करने में एक्सेल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, और एक्सेल इक्वल टू एक्सी जिस बिंदु पर हो जाएगा वहां पर क्या आ सर जाएगी, सोने अधिकतम धारा। क्या बोल रहे हो, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो क्यों नहीं हुआ दीपांशु, क्लियर? सर भाई आपने रेडियो यूज किया कि नहीं किया आज तक? एफएम रेडियो कुछ यूज किया कि नहीं किया? यस सर एक बार हाँ, तो किया जब आप उसको ट्यून करते हैं, जब उसका नॉब पकड़ के उसको घुमाते हैं, तो एक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा अच्छा क्लियर सुनाई देता कि नहीं सुनाई देता? यस सर हाँ, तो उस समय होती है अनुनाद की स्थिति। कौन सी स्थिति होती है? अनुनाद की हाँ पढ़ो एक बार, इसका आंसर पढ़ो। रेडियो या टीवी सेट में रेडियो टीवी सेट में एंटीना के साथ श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में जुड़ा होता है। विभिन्न प्रक्षेत्र सर प्रक्षेत्र क्या है? प्रेषित मतलब जितने जितने रेडियो स्टेशन से सिग्नल आते हैं। जी सर रेडियो स्टेशनों से आने वाले सिग्नल एंटीना द्वारा इस परिपथ में विभिन्न आवृत्ति की वोल्टता उत्पन्न कर देते हैं। अनुनादी परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता को बदलकर परिपथ की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने से विशिष्ट प्रेषित स्टेशन के कार्यक्रम सुनाई पड़ने लगते हैं, जिसकी आवृत्ति अनुनादी परिपथ में की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। ओके और आगे सर क्योंकि इस स्थिति में उस विशिष्ट रेडियो से, हाँ आने वाले सिग्नल की आवृत्ति के धारा आयाम का मान अधिकतम हो जाता है। चलो देखो भाई साहब, आपके पास दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, आपके पास दो चीजें हैं। एक रेडियो स्टेशन से, रेडियो स्टेशन आपका ये लगा हुआ है एफएम भोपाल में, यहां से एक निश्चित आवृत्ति की तरंगे आ रही कि नहीं आ रही बताओ, जी सर और ये आपका रेडियो रखा हुआ है और ये रेडियो रिसीवर है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ, एंटीना है कि नहीं है, बोलो एंटीना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये रेडियो है और ये रेडियो का एंटीना है। यस अब सर इस एंटीना से आकर के तरंगे टकराएंगी, इस एंटीना से आकर के अलग अलग तरंगे दिख रहा टकराएंगी, है सर हाँ नहीं बढ़िया ये तरंगे टकराएंगी, तो आपको पता है कि अगर किसी चालक को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अगर किसी चालक को बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र पे रखा जाता है, तो इसमें क्या बनता है, विद्युत वाहक बल। क्या बनेगा? विद्युत वाहक बल, ठीक है विद्युत ना? अब देखो भाई साहब, मतलब ये जो एंटीना होता है ये एक तरीके से इन तरंगों को पकड़ने का काम करता है, ठीक है ना? इन तरंगों को पकड़ने का काम करता है। अब इसके अंदर लगा होता है क्या, वही एलसीआर सर्किट। तो उस एलसीआर सर्किट में अगर ये बाहर वाली तरंग की आवृत्ति और अंदर वाली तरंग की आवृत्ति, अंदर वाली तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 1/2 पाई अंडर रूट LC, अगर दोनों आवृत्ति बराबर मिल जाएंगी तो धारा अधिकतम हो जाएगी, तो धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी और आपका जो रेडियो सेट है वो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? इस स्थिति में धारा अधिकतम हो जाएगी और आपका जो रेडियो सेट है
वो बजना शुरू हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो भाई क्या कह रहा है इसमें कि रेडियो या टीवी सेट एक किस, बार और रिपीट कर फिर से दीजिए सर। रिपीट कर रहा हूँ, रेडियो या टीवी सेट से एंटीना के साथ एलसीआर अनुनादी परिपथ जुड़ा होता है। विभिन्न प्रेषित रेडियो स्टेशन से आने वाले सिग्नल एंटीना इस परिपथ में विभिन्न आवृत्ति की वोल्टता उत्पन्न कर देते हैं। अनुनादी परिपथ में लगे संधारित्र की धारिता को बदलकर परिपथ की आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं। ऐसा करने पर उस विशिष्ट प्रेषित स्टेशन के कार्यक्रम सुनाई देने लगते हैं जिसकी आवृत्ति अनुनादी परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, क्योंकि इस स्थिति में उस विशेष रेडियो प्रसारण से आने वाले सभी सिग्नल की आवृत्ति के धारा का आयाम का मान अधिकतम हो जाता है। इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको केवल सरल भाषा में कुछ इस तरीके से समझ लो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ से ये तरंगे छूटेंगी, ये रेडियो स्टेशन से है, ये तरंगे छूटेंगी और ये तरंगे आ करके किसी पर्टिकुलर रेडियो को आ करके मिल गई, ये रेडियो है। ओके इस हर रेडियो एक तरंग को लेता है, क्योंकि भाई रेडियो स्टेशन तो यहाँ पे एक दिख रहा है, बट ऐसे 50ों रेडियो स्टेशन होंगे, मगर 50ों रेडियो स्टेशन में आपका जो ट्यूनर लगा हुआ है रेडियो का, यहाँ जो आप घुमा रहे हो इसके अंदर जो ट्यूनर लगा हुआ है, वो ये बताओ युगल कि वो किसी एक फ्रिक्वेंसी पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, बताओ किसी एक फ्रिक्वेंसी पर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये ट्यून करोगे तो भाई साहब एक कोई फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होगा कि नहीं होगा, रुकेगा रुकेगा। और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी इसकी बाहर की फ्रिक्वेंसी से मैच हो गई तभी ये सिग्नल बताई देगा। मतलब एक तरीके से ये जो ट्यूनर होता है ना, ये फिल्टर का काम करता है। किसका काम करता है? फिल्टर का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ क्या? क्या समस्या आ रही भाई? हो गया सर। देखो क्या है, आप इस चीज को समझो कि भाई रेडियो आपके पास में एक है, मगर स्टेशन यहां से भी तरंगे आ रही हैं, यहां से भी तरंगे आ रही हैं, यहां से भी तरंगे आ रही हैं, हर तरफ से रेडियो तरंगे आ रही हैं, मगर इसको किसी एक ही स्टेशन को चलाना है, उसके लिए आप यहाँ पे रेडियो ट्यूनर का इस्तेमाल करते हैं। ओके क्लियर हो गया? क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। डन ठीक हुआ सर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास अपन इतना ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बाकी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? इसको अभी ही तक आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद। सर का क्वेश्चन है, हाँ कौन बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर जो रेडियो होता है तो सर वो एक ही मतलब स्टेशन से आने वाली तरंगों को कैच करता है, किंतु भाई वहां देखो तो सर बहुत सारी तरंगें बिल्कुल हैं। होती, ऐसा मैंने नहीं कहा है कि रेडियो एक ही स्टेशन से आने वाली तरंगों को कैच करता है। रेडियो अलग-अलग स्टेशन से आने वाली तरंगों को कैच अच्छा, करेगा, एक फिक्स तरंग को कैच एक करता है एक ना? टाइम में एक फिक्स तरंग को करेगा। देखो जैसे मान लो आपने अपना मोबाइल का एफएम ऑन किया और आपने मोबाइल का एफएम ऑन करके आपने मान लो सर जैसे एक बार में अगर मैच करना जैसे आपने कोई एक फ्रिक्वेंसी पे अपना मोबाइल ट्यून कर दिया, जैसे 97 MHz, बोलो ट्यून कर दिया 97 MHz पे आपने अपना मोबाइल को ट्यून कर दिया है रेडियो को, ठीक है? और अब 97 पे ट्यून कर दिया है तो भाई रेडियो स्टेशन, यस सर। अब रेडियो स्टेशन में आपके पास 90 से लेकर के 102 तक सभी तरंगें आ रही हैं, मगर आपका जो एंटीना होगा वो किसको परमिशन देगा? केवल 97 MHz वाले को, बाकी को परमिशन नहीं देगा। मतलब ट्यूनर की फ्रिक्वेंसी तरंग की फ्रिक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, ये कॉपी में लिख लो कि ट्यूनर की फ्रिक्वेंसी जो होगी वो तरंग की आवृत्ति से फ्रिक्वेंसी से मैच होगी, तभी आपका सिग्नल डिटेक्ट करेगा, वो सिग्नल पकड़ेगा और सिग्नल को बजाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सर। चलिए।
मतलब सर जितनी फ्रिक्वेंसी है उतने का ट्यूनर हो तभी मतलब वो कैच करेगा। हाँ बिल्कुल सही, अब बिल्कुल सही बोले एक तरीके से। मतलब कुल मिला करके अगर गेट से चार लोग वहाँ दौड़ते हुए आ रहे हैं तो आपके आपके घर का गेट भी उतना बड़ा है कि चार लोग वहाँ से दौड़ के घुस सकें। समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो चार जितनी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेट रेडियो स्टेशन की होगी उतनी ही फ्रिक्वेंसी ट्यूनर की होनी चाहिए। जब दोनों मैच कर जाएंगी दोनों तरंगे, तो एक तरीके से ये समझो कि दोनों जब मैच कर गई फ्रिक्वेंसी तो आपका सिग्नल जो है वो पकड़ना शुरू कर देगा और सिग्नल बजना शुरू हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है बच्चों, जिसका नाम है LC दोलन। ये जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है प्रश्न क्रमांक 24, ये जो इसके बाद में है ना, ये पेज नंबर 80 है, 80 के बाद 81। ये जो पेज 81 पे है, LC परिपथ के दोलन को समझाइए, प्रश्न क्रमांक 24। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो दोलन है जिसका नाम है LC परिपथ का दोलन, इसको मैं सामने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है, तो इसको अपन कल जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी रेगुलर टाइम पे अपने, उस पे हो जाएगा, ठीक है? और बाकी मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन इसके बन रहे होंगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सारा कुछ मैंने करा रखा है, देख लो एक बार, क्लियर है सब कुछ? डन यस सर। ठीक है, तो कल आप लोग का होमवर्क है कि एग्ज़ाम मास्टर और आपका ये जो मैं दो किताबें और हैं इनके सबके न्यूमेरिकल कल लगा के आइए, ठीक है ना? जी सर। इनके पूरे न्यूमेरिकल कर लीजिए। चलिए ठीक है, क्लासेस ऑफ कर थोड़ा दीजिए। सा ट्रांसफर दीजिएगा। ओके ओके ठीक है, कल कर देंगे उसको भी कवर। ओके बाय बाय सर। बाय।